नया नियम आ चुका है ऑटो चालकों के लिए, जहां पे उनको नंबर प्लेट नंबर और जो ऑनर है ऑटो का उनका नंबर चिपकाना पड़ेगा आगे के शीशे पे, ताकि जो छिनतई का मामला सामने आता है या फिर बात कर ले सामान छूटने के लिए, तो जो पैसेंजर रहते थे उनको काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती थी, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ये सब किया जाएगा। हमारे साथ पप्पू जी जुड़े हुए हैं, चलिए हम साफ तौर पर जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है, क्या कहेंगे जो नया नियम आया है। साफ तौर पर ये भी बोला गया आगे नहीं बैठा सकते। देखिए, जिस नया नियम की बात आप कर रहे हैं, जो नंबर ऑनर नेम चिपकाना है, तो ये कोई नियम नया नहीं है। पूर्व में भी हम लोगों ने गाड़ी के बॉडी पर हम लोगों ने लिखवाया था ऑनर ड्राइवर का नाम, उसी को फिर से जो है रिक्रिएट करना है, क्योंकि जो नई गाड़ियां आई हैं तो बीच में बहुत सारी गाड़ियों पर वो चीज़ लिखा हुआ नहीं है, तो शीशा पर नहीं चिपकाना है। हम लोगों की बातचीत हुई है DG साहब के आदेशानुसार, कोतवाली पुलिस उपाधीक्षक के साथ हम लोगों की बैठक हुई है। उस बैठक में ये कहा गया है कि गाड़ी के पीछे में ऑनर ड्राइवर का नाम मोबाइल नंबर विजुअल करना है, जो लोगों को दिखाई दे। अपराध में इससे नियंत्रण होगा ऐसा उनका मानना है। खैर, उनके इस मानने में हम लोग साथ हैं उनका। अगर इससे अपराध में अगर नियंत्रण होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो आए दिन जो खबर चलता है कि ऑटो में किसी प्रकार की छिनताई हुई है, तो उस प्रकार की घटना से हम लोग भी आहत होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज उससे बदनाम होता है। और ये काम ऑटो चालकों का नहीं है, ऑटो चालक के भेष में कुछ जो है प्रोफेशनल जो चोर हैं, जो एक बसेरा लिए हुए हैं ऑटो चालक का, ऑटो का सहारा लेकर के वो अपना काम को अंजाम देते हैं, लेकिन बदनाम हम लोग होते हैं। हम लोग भी अपने स्तर से ये प्रयास हमेशा करते रहते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनको जो है पुलिस के हवाले करें। हम लोग इस अभियान में पुलिस के साथ हैं, लेकिन एक बात जो और है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यात्रियों को बताना चाहूँगा कि चाहे प्रशासन हो या ऑटो यूनियन हो, हम लोग सुरक्षा के चाहे जितने सारे इंतजाम कर लें, आप सुरक्षित तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक आप सतर्क नहीं रहेंगे। क्योंकि हम अगर नाम और नंबर अगर विजुअल भी कर लेते हैं और आप उसका लाभ नहीं उठाते हैं, आप उसको अगर नहीं देखते हैं, तो हमारी वो सुरक्षा के इंतजाम धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो है पहले से भी गाड़ी के पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो उसको भी देखेंगे, उससे भी वो ऑटो पकड़ी जा सकती है। तो हम यात्रियों से ये कहना चाहेंगे कि जब आप गाड़ी पर बैठें तो बैठने से पहले गाड़ी का नंबर, हो सके तो सबके पास स्मार्टफोन है, आप ड्राइवर का फोटो भी ले सकते हैं, गाड़ी का नंबर ले सकते हैं। आप सतर्क, नियम कहीं ना कहीं सही लगा, पहले भी मैं आपको बता दूं कि नियम नया नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और एक जो अभी आप बताए कि जो ओवरलोडिंग की बात जो आज अखबार में आई है, जो ट्रैफिक SP बात किए हैं कि CCTV कैमरा के फुटेज से अब फाइन काटी जाएगी, उस पर हमारा कहना है कि आगे बैठाने के लिए जो आप मना कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों के साथ, जो ऑटो यूनियन के साथ और ट्रैफिक पुलिस जिला प्रशासन के साथ, इस मुद्दे पर एक बैठक होनी चाहिए। क्योंकि बहुत पहले से हम लोगों का समझौता है कि आगे एक पैसेंजर बैठाने के बाद ही भाड़ा का जो है समायोजन किया गया था। अगर आप अचानक से आगे बैठने पर फाइन करेंगे तो फिर तो हमारा संतुलन गड़बड़ा जाएगा, हमारे भाड़े में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो आप उसको लेकर के पहले बैठ जाइए कि आखिर कैसे होगा। आप सिर्फ फाइन करेंगे, सिर्फ हम पे कार्रवाई करेंगे, इसी से शहर नहीं चलेगा। शहर चलेगा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है हमारा रोजगार का भी बचना, हमारा पेट का भी भरना उतना ही जरूरी है। इसीलिए हम ट्रैफिक SP साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप कोई नया नियम कानून लाते हैं तो उससे पहले ऑटो संघों के साथ आपकी बातचीत होनी चाहिए। क्या आप इस नियम से खुश नहीं हैं जो आगे बैठाने का नहीं है? मतलब कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं बैठेंगे? आगे बैठेगा, एक आध बैठेगा, जो हमारे नेता जी है कहेंगे वो। आगे बैठाने से कोई दिक्कत? बोलिए, नेता जी जो कहेंगे वो होगा। लेकिन अब तो नियम आ गया है। दिक्कत तो छोटा गाड़ी है, 3 सवारी 4 सवारी बैठेगा, उसमें कहाँ से पड़ता खाएगा। नियम तो आ गया, तब तो पालन करना पड़ेगा, तो चालान कट जाएगा। चालान कटेगा तो मेरे नेताजी देखेंगे। देखिए, चालान अगर बिना किसी बातचीत का चालान होती है तो फिर हम उसका विरोध करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। तो साफ तौर पे आपने सुना अध्यक्ष का क्या कहना है। साफ तौर पे इनका यही कहना है कि देखिए जो नियम लाया गया है कि ऑनर्स नंबर और नेम रहेगा वो सही है, हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन जो आगे नहीं बैठाने की बात अगर की जा रही है तो हम लोग इसका कड़ी विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोग का स्टार्टिंग ही आगे बैठा कर होता है। तो अब देखना लाजमी रहेगा कि आगे क्या कुछ नतीजे निकल के निकलते हैं। बने रहकर इस न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।